हमारी धरती पर बहुत से रेयर और अद्भुत जानवर पाए जाते हैं, जिनमें से सांप एक ऐसा जीव है जो हमेशा से ही डर के साथ साथ जिज्ञासा का विषय भी बना रहा है। अकेले सांप की 3600 प्रजाति इस धरती पर पाई जाती है और पता नहीं कितनी और खोजनी बाकी है। इनमें से केवल 375 प्रजाति ऐसी है जो जहरीली है। आप सभी इस खतरनाक जीव के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन आज के हिंदी काउंटडाउन के इस वीडियो में हम इन सांपों के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही असाधारण, अनोखे और दुर्लभ हैं, जिन्हें आपने शायद आज तक देखा भी ना हो। और यकीन मानिए, इन्हें देखकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। नए व्यूअर्स जल्दी से सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक। सोचिए, जब सांप बिना पैर के जमीन पर इतनी तेज भाग लेते हैं और अगर उड़ने लगे तो क्या होगा? सोचिए, फ्लाइंग स्नेक की कल्पना किसी बुरे सपने या फिर किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह है, लेकिन दक्षिण पूर्वी एशिया के जंगलों में यह हकीकत में है। आम बोलचाल में लोग इसे फ्लाइंग स्नेक के नाम से जानते हैं और इसका साइंटिफिक नेम क्रिसोपेलिया है। फ्लाइंग स्नेक मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस आदि देशों के जंगलों में पाए जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक जैसे खतरनाक नाम के बावजूद ये वास्तव में उड़ नहीं सकते। असल में ये ग्लाइडर है, लेकिन दिखने में ऐसा लगता है मानो उड़ रहे हो। जब एक फ्लाइंग स्नेक को एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाना होता है, तो वो किनारे पर जाकर अपनी पसलियों को बाहर निकालते हुए अपने पेट को सिकोड़ लेते हैं और खुद को हवा में लॉन्च कर देते हैं और फिर हवा में अपने शरीर को पतला व समतल करके फैला लेते हैं, जिससे कि वो बहुत दूरी तक ग्लाइड कर सके। वैसे ये फ्लाइंग स्नेक उड़ने वाली गिलहरी की तुलना में ज्यादा बेहतर ग्लाइडर है। उड़ने वाली गिलहरी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर 60 मीटर तक की दूरी तय कर सकती है, वहीं फ्लाइंग स्नेक 100 मीटर या उससे भी अधिक। और जब ये हवा में होते हैं तो धीमे हो जाते हैं और सिर को बिल्कुल हिलने नहीं देते और सीधे रखते हैं, जो उन्हें उड़ान के दौरान बेहतर स्थिरता और कुछ हद तक नियंत्रण प्रदान करती है। फ्लाइंग स्नेक जहरीले होते हैं, लेकिन घबराइए मत, क्योंकि इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है। ये ज्यादातर छिपकलियों और अन्य छोटे जानवरों को खाते हैं और अपना ज्यादातर समय पेड़ों पर ही बिताते हैं। स्पाइडर टेल्ड वाइपर। जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि प्रकृति ने इसे इस तरह बनाया होगा कि इसकी पूंछ किसी मकड़ी की तरह दिखती होगी या फिर पूंछ मकड़ी जैसी होगी। वैसे बात भी सही है, इस सांप का शिकार करने का तरीका भी सबसे अनोखा है। पहले वो अपने शिकार को अपनी पूंछ से आकर्षित करता है और पास आने पर उसका शिकार कर लेता है। स्पाइडर टेल्ड वाइपर एक वाइपर प्रजाति ही है। ये एक जहरीला सांप है। 2001 तक इस वाइपर की पहचान गलत की जा रही थी, जो कि 1968 में एक अमेरिकी अभियान के दौरान ईरान से एकत्र किया गया था और शिकागो में फील्ड म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में जमा किया गया था, और जिसे स्यूडोसेरेस पर्सिकस के रूप में पहचाना गया, जिससे कि ये माना जा रहा था कि सांप का ऐसा दिखना जन्म दोष या बॉडी में एबनॉर्मल ग्रोथ के कारण हुआ होगा। लेकिन कई दशकों बाद एक ऐसा और सांप मिला जिसके नमूनों से इसकी विशेषता का खुलासा हुआ और वैज्ञानिकों ने 2006 में औपचारिक रूप से जानवर को एक नई प्रजाति के रूप में वर्णित किया। स्पाइडर टेल्ड वाइपर की अनूठी पूंछ होती है, जिसमें एक बल्ब जैसा आकार होता है और उस पर इस तरह उभार निकले और लटके पड़े होते हैं कि वो उसे एक मकड़ी का रूप देते हैं, और जब वो अपनी पूंछ को गोल गोल इस तरह से घुमाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई मकड़ी भटक रही हो, और फिर शिकार जब मकड़ी के इस छलावे में आ जाता है तो वो खुद ही शिकार बन जाता है, क्योंकि वो सांप को देख नहीं पाता। इसकी वजह इनका रंग है, जिससे आसानी से पत्थरों में छिप जाते हैं। बारबाडोस थ्रेड स्नेक। बारबाडोस थ्रेड स्नेक सांपों की सबसे छोटी प्रजाति है। ये कैरेबियन द्वीप बारबाडोस पर पाए जाते हैं। इस सांप को पहली बार पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट स्टीफन ब्लेयर हेजेस ने 2008 में खोजा था, जब वो अपनी टीम के साथ सबसे छोटे फ्रॉग और लिजर्ड को ढूंढने इस द्वीप पर आए थे। हेजेस ने अपनी पत्नी कार्ला के सम्मान में सांप की इस नई प्रजाति का नया साइंटिफिक नेम दिया, जो कि सरीसृप विज्ञान वेत्ता और खोज अभियान टीम का हिस्सा थी। बारबाडोस थ्रेड स्नेक केवल 10.4 सेंटीमीटर यानी कि 4.1 इंच की अधिकतम लंबाई तक के हो सकते हैं और 0.6 ग्राम के औसत वजन जितने।
वैसे सरल शब्दों में बोले तो स्पेगेटी नूडल जितने चौड़े होते हैं। दीमक और चींटी के लार्वा इसके भोजन होते हैं। ईस्टर्न हॉगनो स्नेक। इस सांप का ये नाम दरअसल इसकी सुअर जैसी नाक की वजह से पड़ा। हॉगनो स्नेक नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। ये रेतीली मिट्टी, खेतों, तटीय क्षेत्रों के साथ वुडलैंड्स वाली जगह पसंद करते हैं। इनका मुंह भी काफी चौड़ा होता है। अब तक की दर्ज की गई इनकी लंबाई 116 सेंटीमीटर यानी 46 इंच है और रंग और पैटर्न कुछ भी हो सकता है। अब इसकी उस ऑस्कर लेवल एक्टिंग की बात करते हैं जिसके कारण इसे इस लिस्ट में शामिल किया गया। ये मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन जब कभी कोई इंसान या खतरा इसे दिखता है तो कोबरा की तरह फन उठा लेता है और उसकी तरह ही जीव अंदर बाहर करने लगता है। डसने की भी एक्टिंग करता है। इससे भी बात नहीं बनती तो काटना शुरू कर देता है, लेकिन दांत नहीं गड़ाता। लेकिन 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 इतने से ही काम नहीं चला तो पीठ के बल लेट कर मरने की एक्टिंग करने लगता है। वैसे इसे लिस्ट में डालने का असल मकसद इनकी नाक नहीं बल्कि इनकी दमदार एक्टिंग है, जो कि इसे हकदार बनाती है अनोखे सांप की लिस्ट में शामिल करने के लिए। ब्लू कोरल स्नेक। वैसे तो ये नाम इसको इसके सुंदर चमकदार नीले रंग के कारण मिला है, लेकिन धोखा मत खाइएगा, ये किलर ऑफ किलर्स के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये अन्य जहरीले से जहरीले सांप को भी चुटकियों में मार सकता है। ब्लू कोरल स्नेक में एक अनोखा प्रकार का जहर होता है जो अधिकांश सांपों के पास नहीं होता। जहां दूसरे अधिकतर सांपों में न्यूरोटॉक्सिन होता है, वहीं इसके जहर में साइटोटॉक्सिन होता है, जिसका अब तक का कोई एंटीवेनम भी नहीं बन पाया। यहां तक कि इनके पास सबसे बड़ी जहर की पोटली होती है। जी हाँ, बेहद बड़ी, जो कि इसके शरीर की लंबाई की 1/4 से भी अधिक लंबी होती है। दूसरी ओर अधिकांश सांप के जहर आपको धीमी गति से मारते हैं, जबकि ब्लू कोरल स्नेक दिखने में जितना सुंदर है उसके विपरीत इसका जहर आपको सोचने का मौका भी नहीं देगा। बिल्कुल कातिल हसीना की तरह। इसीलिए इसे देखते ही तुरंत भागने में भलाई है। ये 5 से 6 फुट लंबे हो सकते हैं। ये टेरेस्ट्रियल सांप ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और बर्मा आदि में पाया जाता है। एलिफेंट ट्रंक स्नेक। ये अजीब सांप ज्यादातर इंडोनेशिया में पाया जाता है, हालांकि कुछ करीबी रिश्तेदार ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं। इसको ये नाम इसकी असामान्य त्वचा के कारण मिला। इसकी चमड़ी बेहद झुर्रीदार और ढीली होती है, जैसे किसी ने अपनी साइज से बड़े कपड़े पहन लिए हों। ये 2.5 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। एलिफेंट ट्रंक स्नेक पूरी तरह से जलीय है और जमीन पर व्यवहारिक रूप से असहाय है, क्योंकि इनके पेट पर जमीन के सांपों की तरह स्केल नहीं होते जो रेंगने में मदद करते हैं। एलिफेंट ट्रंक स्नेक कैटफिश और ईल जैसी मछली पर फीड करते हैं। इनके पास जहर नहीं होता, इसलिए शिकार को मारने के लिए ये जकड़ते हैं। इसको लोग पेट की तरह पालना भी पसंद करते हैं। रेड स्पिटिंग कोबरा। भारत में स्पिटिंग करने वाले एक जीव की खास प्रजाति पाई जाती है, लेकिन अफ्रीका में भी कोबरा मूल की एक प्रजाति है जिसे रेड स्पिटिंग कोबरा कहते हैं। ये मुख्य रूप से पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। रेड स्पिटिंग कोबरा तेज और सतर्क सांप होते हैं। इनकी लंबाई 5 फुट तक हो सकती है। इस प्रजाति के वयस्क निशाचर होते हैं, जबकि किशोर दिन के दौरान अधिक सक्रिय होते हैं। वयस्क सांप दिन के दौरान दीमक के टीले, पुरानी लकड़ी के लॉग होल या फिर ग्राउंड के अंदर छिपना पसंद करते हैं। जब कभी खतरे का आभास होता है तो ये उठ खड़ा होता है और कोबरे की तरह फन फैला लेता है और हिस जैसी आवाज निकालता है। इसके बावजूद अगर फिर भी लगता है कि खतरा टलने वाला नहीं है, तब जाकर मजबूरी में ये अपनी कीमती जहर की बौछार सामने वाले के मुंह पर कर देता है। स्पिटिंग कोबरा अपने रिश्तेदार किंग कोबरा जितने जहरीले तो नहीं होते, लेकिन इनका साइटोटॉक्सिन जहर काफी खतरनाक होता है। इसका जहर आपकी आंखों में चला गया तो आपको अंधा बना सकता है। इन्हें दूर से देखकर ही आप इन्हें इनके लाल रंग से पहचान सकते हैं। कैलिफोर्निया रेड साइडेड गार्टर स्नेक। जिस सांप की हम बात कर रहे हैं वो गार्टर स्नेक या साधारण रिबन स्नेक के जीन्स का है। ये आकार में छोटे होते हैं, लंबाई में केवल 50 से 80 सेंटीमीटर। ये सांप मेंढक और कीड़े खाते हैं, इसलिए इंसानों के लिए कोई खतरा नहीं है। कुल मिलाकर लगभग 30 प्रकार के गार्टर स्नेक हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसमें ऐसी कौन सी खास बात है। फैक्ट ये है कि कैलिफोर्निया गार्टर स्नेक को छोड़कर लगभग सभी गार्टर सांपों की स्किन ब्राउन या फिर सैंड कलर की होती है।
इस कैलिफोर्निया रेड साइडेड गार्टर स्नेक की बॉडी पर ब्लैक और रेड कलर का बैकग्राउंड होता है, जिस पर ब्लू स्ट्राइप्स होती है, जो कि इसे इतना कलरफुल बना देती हैं कि सांप को नियोन सांप का निकनेम भी मिल गया। इस खासियत के कारण बहुत से कलेक्टर्स इस खूबसूरत सांप को अपने कलेक्शन में जोड़ना चाहते हैं। रेनबो बोआ। इस सांप को स्लेंडर बोआ के नाम से जाना जाता है। इनकी खूबसूरती की वजह से लोग इन्हें पालना भी खूब पसंद करते हैं। रेनबो बोआ की असली सुंदरता तब खिल के आती है जब इस पर सूरज की किरणें पड़ती है। वाकई में ये देखने में अविश्वसनीय है, लेकिन असल में रेनबो स्नेक के शरीर में होलोग्राफिक इफेक्ट है और यही वजह है कि ये लाइट रिफ्लेक्ट करता है, टिमटिमाता है, चमकता है और इंद्रधनुष के सभी रंग बिखेरता है। बस आप इसे सूरज की रोशनी में छोड़ दें, फिर देखना ये सांप दुनिया का सबसे सुंदर सांप है। स्पाइनी बुश वाइपर। असल में इस देखने में सांप और ड्रैगन का ही मिलाजुला रूप है। ये सेंट्रल अफ्रीका के वर्षा वनों में पाया जाने वाला छोटा सा सांप बहुत जहरीला होता है। इसकी लंबाई 29 इंच तक जा सकती है। स्पाइनी बुश वाइपर न केवल अजीब सा दिखता है, बल्कि बहुत जहरीला होने के साथ साथ इसके बारे में जो असल फैक्ट है, इनके जहर के बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। बस इतना मालूम है कि न्यूरोटॉक्सिक होता है। सौभाग्य से ये वाइपर आमतौर पर मानव बस्तियों से दूर रहते हैं और इसीलिए स्पाइनी बुश वाइपर का काटना बहुत दुर्लभ है। वैसे रफ बॉडी होने की वजह से पेड़ों पर और किसी भी वर्टिकल चीजों पर ये आसानी से चढ़ जाते हैं और अपनी पूंछ के सहारे आसानी से पेड़ों से लटक भी जाते हैं। अधिकांश बुश वाइपर हरे रंग के होते हैं और इसे इसके आसपास के वातावरण में छलावरण में मदद करते हैं। ये सभी दुनिया के सबसे अनोखे और अजीब सांप थे, लेकिन लिस्ट अभी भी बहुत लंबी है। अगर आप दुनिया के सबसे अनोखे और अजीब सांप जैसे सहारा हॉर्न्ड वाइपर, लीफ नोज्ड स्नेक, लॉन्ग नोज्ड व्हिप स्नेक, टाइगर किलबैक स्नेक आदि के बारे में जानना चाहते हैं और इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए।